गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली सभी को आती है। बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो नॉर्मली सभी के साथ आती है। जब हम किसी से बोलते हैं हमको एक सीधी लाइन खींच करके दिखाइएगा, जब हम लोगों से बोलते हैं कि एक सीधी लाइन खींचनी होती है तो 10 में से 8 लोगों का ये कहना होता है कि मुझे सीधी लाइन खींचना नहीं आता है, चाहे वो लाइन हो या सर्कल हो। फ्री हैंड से लाइन और सर्कल दोनों ही ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इजीली सीधी लाइन और सही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है स्ट्रेट लाइन की। जब हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन करने के लिए, तो लोगों का जो स्ट्रेट लाइन करने का मेथड होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। कुछ लोग इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करते हैं, पहले डॉट 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 करके ड्रॉ करते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। सर्कल की बात करें तो इसी तरीके से लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। कुछ लोग ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग प्लस बना करके सर्कल को ड्रॉ करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको सर्कल और लाइन को ड्रॉ करना है फ्री हैंड से। चलिए देखते हैं वो कैसे करें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फ्री हैंड से डायरेक्ट लाइन करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन करनी है हमको। अगर ये टेढ़ी होती है, होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्या, इस लाइन को मिनिमम 100 टाइम्स ड्रॉ करेंगे। ऐसे करके बताता हूं मैं आपको। इस तरीके से जैसे मैं लाइंस कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको क्या करना है, मिनिमम इन लाइंस को 100 टाइम्स ड्रॉ करना है। अब बात आती है सर्कल की। सेम मेथड है, जिस तरीके से हमने लाइंस को ड्रॉ किया है इसी तरीके से हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, अगर टेढ़ा होता है, होने दीजिए, हम क्या करेंगे, इसी सर्कल को 100 टाइम्स ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से इस सर्कल को मिनिमम 100 टाइम्स ड्रॉ करना है, और ये आप बना लीजिए आपके डेली के रूटीन में। 1 वीक आपको लगेगा, सिर्फ 1 वीक आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन सीधी होने लगेगी, सर्कल आपका सही बनने लगेगा, और आपको पता नहीं चलेगा। देखिए होता क्या है, जब कोई चीज़ हम प्रैक्टिस में लाते हैं, जब डेली हम स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से मिनिमम 100 टाइम्स करेंगे डेली और 1 वीक, तो होगा क्या, जो हमारा हैंड है इसमें एक फ्लो बनेगा, इसमें क्या होगा, एक फ्लो बनेगा, एक हैबिट बनेगी इसकी स्ट्रेट लाइन की। तो जब क्या होगा, इसको प्रैक्टिस करने के बाद कभी भी स्ट्रेट लाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही सीधी हो जाएगी। तो ये मैंने आज आपको बताया एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो सभी के साथ रहती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको सही तरीका ये बताया है कि आप एक लाइन को करिए, एक लाइन करने के बाद उन्हीं लाइन्स को कम से कम 100 टाइम्स ड्रॉ करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। सेम जो मेथड है आपका वो सर्कल में आएगा, सर्कल में भी आपको 100 टाइम्स ड्रॉ करना है। जब हम दोनों चीज़ों को 100 टाइम्स ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, हाथ में आपके जो है फ्लो बन जाएगा और आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। तो आज आपने जाना इन सब चीज़ों के बारे में, तो आगे और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस करिए, और मेरा ये वादा है कि आफ्टर 1 वीक आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।